एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक पार्ट, कंसिडरेशन। हमने अपनी पिछली वीडियो में इसका पहला पार्ट किया था, जहाँ पे हमने देखा था कि प्रॉमिस और ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का क्या मीनिंग होता है, उसके क्या क्या रूल्स होते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विद कंसिडरेशन। गाइस, कंसिडरेशन क्या होता है? हमने पहले भी अपनी कई वीडियो में आपको बताया है कि कंसिडरेशन इज नथिंग बट समथिंग इन रिटर्न। मीन सपोज मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए मैं आपको ज़रूर कुछ अमाउंट दे रही होंगी, कोई चीज़ दे रही होंगी, तो वो क्या है? कंसिडरेशन। ठीक है, उसी को हम कंसिडरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे ये पेन खरीदा वो 5 रुपीज़ में, तो मैंने आपको क्या दिया? 5 रुपीज़। तो आपके लिए कंसिडरेशन वो है 5 रुपीज़, और यहाँ पे मुझे पेन मिला तो मेरा कंसिडरेशन हो गया पेन। ठीक है, यानी जिस चीज़ को करने के लिए या कुछ आप ले रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो उसके रिटर्न में जो आप देते हो वो होता है हमारा कंसिडरेशन। नाउ कंसिडरेशन इज द प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ द अदर इज ब्रॉट। ठीक है, प्रॉमिस ले रहे हो या फिर आप कुछ चीज ले रहे हो, एंड द प्रॉमिस दस गिवन फॉर वैल्यू इज इनफोर्सिबल व्हेन अ ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस ईच पार्टी गेट समथिंग, दिस समथिंग इज कॉल्ड कंसिडरेशन। ठीक है, जब भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी पार्टी को जरूर मिल रहा होता है, चाहे वो थोड़ा सा वैल्यू मिल रहा हो पर मिल जरूर रहा होता है। सो वही समथिंग जो भी है वो कॉल्ड, उसी को हम कंसिडरेशन कहते हैं। नाउ लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन। इस कंसिडरेशन के लिए कुछ रूल्स हैं, लीगल रूल्स हैं जो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताए गए हैं, तो उसी में से हम कुछ रूल्स आपको बताने वाले हैं। फर्स्ट वन इज कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। यानी कि जो भी प्रोमिसर है उसी के डिजायर पे जो कंसिडरेशन है वो डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, अगर प्रोमिसर ने कुछ करने के लिए नहीं कहा बट सामने से कोई पार्टी वो चीज़ कर देती है और उसके लिए कंसिडरेशन मांगती है, तो यहाँ पे प्रोमिसर की लायबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक गाड़ी है और किसी एक इंसान ने आके वो गाड़ी पूरी पॉलिश कर दी या कुछ उसमें काम कर दिया। नाउ अब मैंने कुछ रिक्वेस्ट नहीं की थी उससे, मैं प्रोमिसर हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा कि आप मेरी गाड़ी को कुछ मीन्स चेंज कीजिए या उसमें कुछ ऑल्टर कीजिए। ठीक है, बट स्टिल उस पार्टी ने ये चीज़ कर दी, तो यहाँ पे वो पार्टी मुझे सू नहीं कर सकती या मुझसे कंसिडरेशन के लिए डिमांड नहीं कर सकती। ठीक है, द सेकेंड वन, कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। जो कंसिडरेशन है वो कौन देगा? ठीक है, वो होना चाहिए प्रोमिसी के द्वारा या फिर किसी अनदर पर्सन के थ्रू। इट मीन्स दैट द एक्ट और फॉरबेंसेस मे बी डन बाय द प्रोमिसी हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। क्या हुआ? इनडायरेक्टली मेरा वो चाइल्ड जो है एक अग्रीमेंट में आ गया उसके अंकल यानी मेरे ब्रदर के साथ कि वो उनको पेमेंट करेगा। अगर फ्यूचर में ये चीज़ होती है कि वो रिफ्यूज़ कर देता है कि मैं पेमेंट नहीं करूँगा, तो यहाँ पे मेरे ब्रदर के पास पूरा राइट होगा कि वो उसको सू कर सके, उसको कंसिडरेशन की, उसके द्वारा कंसिडरेशन की डिमांड कर सके। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट की डिमांड कर सके। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कंसिडरेशन मेरी तरफ से दिया जा चुका है। यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है कि कंसिडरेशन जो है वो प्रोमिसी के थ्रू हो सकता है या किसी अदर पार्टी के थ्रू हो सकता है, तो यहाँ पे मैं कंसिडरेशन दे रही हूँ कहीं से या थर्ड पार्टी से कंसिडरेशन उसको मिल रहा है, इसलिए उसको वो काम करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ अनदर वन इज कंसिडरेशन मे बी प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। कंसिडरेशन भले या प्रेजेंट में दो, यानी प्रेजेंट में कुछ काम हो रहा है तो दिया जा रहा हो, पास्ट यानी कि पहले दिया जा चुका है। पास्ट कंसिडरेशन कैसे हो सकता है गाइस? सपोज ए ने क्या किया, बी का पर्स फाउंड किया, उसका पर्स खो गया था और उसने उसको ढूंढ लिया, पर एक महीने बाद बी ने उसको प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको 10 रुपीज दूंगा एज रिवॉर्ड। यहाँ पे रिवॉर्ड तो दिया जा रहा है पर किस काम के लिए दिया जा रहा है वो ऑलरेडी हो चुका है, पास्ट में हो चुकी है चीज, तो उसको कहते हैं पास्ट कंसिडरेशन। ठीक है, नाउ प्रेजेंट कंसिडरेशन यानी कि जो एट द टाइम हो रही हो, यानी मैंने परचेज किया था कुछ, ये मैंने आपसे पेन परचेज किया था, यहाँ पे मैं पेन ले रही हूँ, आपको मनी दे रही हूँ, तो ये मेरा प्रेजेंट कंसिडरेशन है। एंड फ्यूचर कंसिडरेशन जहाँ पे मैंने किसी को कहा कि ठीक है मैं आपको अपनी वॉच सेल करूँगी 200 रुपीज़ में, ठीक है, और नेक्स्ट वीक में आपको सेल करूँगी, तो इस केस में क्या हो गया, नेक्स्ट वीक में हम करेंगे, तो ये फ्यूचर कंसिडरेशन। ठीक है, और कंसिडरेशन फिर कुछ भी हो सकता है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों में से। नेक्स्ट वन,
consideration must not be something which the promiser is legally bound to do. अगर कोई ऐसी चीज है जो प्रोमिसर को करनी ही करनी है, लीगली करनी ही है, ठीक है, वो चीज कंसिडरेशन के तौर पर मान्य नहीं हो सकती. फॉर एग्जाम्पल, ए प्रोमिस टू पे ₹100 एक्स्ट्रा टू अ लॉयर फॉर विनिंग द सूट. ठीक है, एक फाइल था उसके अगेंस्ट, कोई सूट था, ठीक है, उसने क्या कहा लॉयर से कि मैं आपको ₹100 एक्स्ट्रा दूंगा अगर आप मेरा ये केस जीत जाते हो. तो यहाँ पे ए क्या है, बाउंड नहीं है ₹100 पे करने के लिए अगर लॉयर केस जीत भी जाता है तो. क्यों? क्योंकि उस लॉयर का लीगली वही चीज़ है, लीगली बाउंड है वो उस चीज़ को करने के लिए, अपना अच्छा सा अच्छा परफॉर्म करने के लिए वो बाउंड है वहाँ पे. ठीक है, नाउ इवन इफ ही विंस द केस एट द लॉयर, एज द लॉयर वॉज ड्यूटी बाउंड टू डू हिज बेस्ट टू विन द केस. तो यहाँ पे पेमेंट ऑफ ₹100 एक्स्ट्रा इन दिस केस इज नॉट अ गुड कंसिडरेशन. ठीक है, तो ये कंसिडरेशन माना ही नहीं जाएगा. आफ्टर दैट देखिए, एज सच प्री एक्सिस्टेंस लीगल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी रिकार्डेड एज गुड कंसिडरेशन. उसके बाद देखिए, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी इनलीगल. कंसिडरेशन इनलीगल नहीं होना चाहिए कि आप मेरा ये काम कर दो, मैं इस इंसान को मार दूंगा. क्या ये इनलीगल वर्क है? तो ये नहीं होना चाहिए. इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए. जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उसका कंसिडरेशन नहीं रखा जा सकता. अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, फ्रॉडेंटल, इमोर्टल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसीज नहीं होना चाहिए. चलिए उसके बाद देखते हैं, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट. गाइस, एडिक्वेट क्या होता है, यानी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू देना. सपोज मेरा ये पेन गोल्ड का है और इसकी वैल्यू जो है ₹50 लाख की है. ठीक है, तो मैं ये किसी को दे रही हूँ, बेच रही हूँ, तो ₹50 लाख तो इसकी वैल्यू है. अगर वो मुझे बिल्कुल ₹50 लाख दे रहा है तो एडिक्वेट कंसिडरेशन है, यानी उसका सेम प्राइस मुझे मिल रहा है. बट अगर मैंने ये ₹50 लाख का ₹50 में बेच दिया तो भी वो कंसिडरेशन माना जाएगा. क्यों माना जाएगा? क्योंकि मैंने उसको अपनी इच्छा से बेचा और मुझे कुछ मिल रहा है. ठीक है, तो ये इनलीगल नहीं होगा. ठीक है, ये इनवैलिड नहीं होगा. इसको भी कंसिडरेशन के तौर पे लिया जाएगा. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी फुल रिटर्न ऑफ द प्रॉमिस. देयर मस्ट बी समथिंग रदर देन नथिंग. कुछ होना चाहिए. नाउ ये थे हमारे कंसिडरेशन पर. हमने क्या देखा था अभी तक कि कंसिडरेशन मतलब क्या होता है, कि कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए. बट इसके एक्सेप्शंस भी हैं इस केस के. ठीक है, अगर कोई प्रॉमिस किया गया है आउट ऑफ नेचर, लव एंड अफेक्शन, तो वहाँ पे क्या कंसिडरेशन की ज़रूरत है? तो बिल्कुल नहीं. हो भी सकता है, बट अगर नहीं हुआ तो भी कुछ गलत नहीं होगा. उसको हम लॉ के अंडर वैलिड मानते हैं. वो कब कब होता है, वो केसेस कौन से हैं? फर्स्ट वन, नेचर नेचुरल लव एंड अफेक्शन के तौर पे हो. एन अग्रीमेंट और प्रॉमिस मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन पार्टीज स्टैंडिंग इन अ नियर रिलेशन टू ईच अदर इज इन्फोर्सिबल विदाउट कंसिडरेशन. ठीक है, इसका मतलब क्या है? सपोज मैंने अपने ब्रदर को रिटर्न में दे दिया कि मैं आपको ₹5,000 पर ईयर पे करूँगे. मैंने उनको रिटर्न में दिया है, वो मेरे ब्रदर हैं, यानी नेचुरल लव के थ्रू मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है. तो अगर मैं फ्यूचर में रिफ्यूज़ करती हूँ तो उनके पास पूरा राइट है कि वो लॉ के अंडर मुझे उस कंसिडरेशन, उस चीज़, सॉरी, उस पेमेंट के लिए बाउंड कर सकते हैं कि आप मुझे ये पेमेंट करो. तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बना था कि हाँ मैं आपको पेमेंट करूँगी. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज अ प्रॉमिस मेड टू कंपनसेट फॉर वॉलेंट्री सर्विस. ऐसी कोई सर्विस, वॉलेंट्री सर्विस जो दी गई थी उसके लिए कंपनसेट करना. अ प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और इन पार्ट अ पर्सन हु हैज़ वॉलेंट्रीली डन समथिंग फॉर द प्रोमिसर और समथिंग विच द प्रोमिसर वॉज लीगली कैपेबल टू डू इज इम्पॉसिबल विदाउट कंसिडरेशन. मतलब अगर कोई इंसान, जैसे ए ने क्या किया, बी का पर्स फाउंड किया और उसको दे दिया. सो यहाँ पे बी ने प्रॉमिस किया कि हम आपको रिवॉर्ड देंगे ₹50 का. ठीक है, बाद में क्या हुआ, बी ने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं आपको पेमेंट नहीं कर रहा. सो वहाँ पे कोई कंसिडरेशन
तो वहां पे उसने रिफ्यूज कर दिया कि मैं आपको पेमेंट नहीं कर रहा क्योंकि आप मुझे कुछ दे ही नहीं रहे. तो ऐसा नहीं है, उसको पेमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि भले ही वहां पे प्रेजेंट के टाइम पे उसको कुछ कंसिडरेशन नहीं मिल रहा हो. द अनदर वन इज प्रॉमिस टू पे टाइम बेरिड डेब्ट वेर अ प्रॉमिस इन रिटिंग सिग्नल बाय द पर्सन मेकिंग इट और बाय हिज ऑथराइज एजेंट. चाहे उसने पेमेंट प्रॉमिस किया हो या उसके ऑथराइज किसी एजेंट ने, इज मेड टू पे अ डेब्ट बेरिड बाय लिमिटेशन इट इज वैलिड विदाउट कंसिडरेशन. ठीक है, उसके बाद अगर हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन वन टू सेक्शन 25 जो सेक्शन है उसमें जो एक्सप्लेनेशन वन है उसके अकॉर्डिंग कोई भी गिफ्ट जो है वो वैलिड होगा भले ही क्योंकि उसमें कुछ कंसिडरेशन नहीं होता. तो ये भी एक एक्सेप्शनल के अंदर आ जाता है. अनदर वन टू क्रिएट एजेंसी. ठीक है, अंडर सेक्शन 125 नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी. बट अगर आप एजेंसी का पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे ये जरूरी होता है कंसिडरेशन देना. आप एजेंसी का भी टॉपिक हमारे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो. बट स्टिल कुछ केसेस में है जहाँ कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं है क्रिएट करने के लिए एजेंसी. अनदर वन इज चैरिटी. आप जब चैरिटी कर रहे होते तो सामने से आपको कुछ नहीं मिल रहा होता. सो देयर मैंने किसी संस्था को कह दिया कि मैं आपको चैरिटी करूंगी 1,00,000 रुपए की. और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यही सोच लिया कि मैं उनको चैरिटी करूंगी. उन्होंने अपना आगे खर्चा कर दिया कि हम मुझसे पेमेंट मिलेगी तो वो पे कर देंगे. तो यहाँ पे क्या है कि मैं बाद में रिफ्यूज नहीं कर सकती, मुझे वो पेमेंट करनी पड़ेगी. ठीक है, भले ही मुझे कोई कंसिडरेशन ना मिल रहा हो. इफ अ प्रॉमिस अंडरटेक्स द लायबिलिटी ऑन द प्रॉमिस ऑफ द पर्सन टू कंट्रीब्यूट टू चैरिटी देयर द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी वैलिड. नाउ गाइस एक चीज होती है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन. स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सपोज मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. पार्टीज कौन सी है? मैं और आप हो. ठीक है, यहाँ पे जो थर्ड पार्टी कोई भी बाहर का इंसान सपोज ए है तो वो क्या होगा? ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है ना ही उसका कॉन्ट्रैक्ट से कुछ लेना देना है. सो वो हो जाएगा स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, उसको कहते हैं स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट. नाउ एक पॉइंट है, अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन सू. जो कंसिडरेशन का स्ट्रेंजर है वो सू तो कर सकता है. हाउएवर अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू. पर एक जो कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, वो सू नहीं कर सकता. ये उसका राइट नहीं होता. अब इस पॉइंट का भी कुछ एक्सेप्शंस हैं. कौन कौन से? बेनिफिशियली ऑफ अ ट्रस्ट. अ ट्रस्ट इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ बेनिफिशियली. हैंस अ बेनिफिशियली कैन फाइल अ सूट टू इन्फोर्स हिम राइट इवन थ्रू ही इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट. जैसे कि हमने अभी एक देखा था कि मैंने अपने बच्चे को किसी को भी अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दी और उसको कहा कि अपने अंकल को पे करते रहना. बट अगर मेरी डेथ के बाद उसने पेमेंट रोक दी, उसको पेमेंट नहीं कर रहा, तो उसके अंकल यानी मेरे ब्रदर के पास पूरा राइट होगा कि वो उसको सू कर सके. यहाँ पे क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं है, वो स्ट्रेंजर है कॉन्ट्रैक्ट के लिए. ठीक है, अ ट्रस्ट इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ बेनिफिशियली. बेनिफिशियली के ट्रस्ट बेनिफिशियल के बेनिफिट के लिए ट्रस्ट क्रिएट हुआ था. ठीक है, हैंस बेनिफिशियली कैन फाइल अ सूट. तो वो फाइल कर सकते हैं सूट to enforce his right even though he is not a party to the contract. भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं थे. Another one, family settlement for females. Suppose एक पर्सन था ए और उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में बांट दी और उनसे ये कहा कि वो अपनी मदर को 200 रुपीज देते रहेंगे पर मंथ. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर सन रिफ्यूज करते हैं पेमेंट के लिए तो उनकी मदर इन्फोर्स कर सकती है हर राइट इन द कोर्ट ऑफ लॉ. बिकॉज भले ही वो पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में बट स्टिल वो जाके उसको सू कर सकती है और उनसे डिमांड कर सकती है. ठीक है, फैमिली सेटलमेंट फॉर फीमेल्स. वी आर प्रोविजन आर मेड फॉर द मैरिज और मेंटेनेंस ऑफ अ फीमेल मेंबर. ठीक है, फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली. ऑन द पार्टीशन ऑफ अ जॉइंट इन द फैमिली द फीमेल मेंबर्स हैव द राइट टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट इवन इफ दे आर नॉट द पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, इसके अलावा भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, वो हम आपको एक अलग वीडियो में पूरे बताएंगे. ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो. प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा. अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिए. ओके, अगर आप चाहते हैं हम किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाएं प्लीज़ टॉपिक कमेंट बॉक्स में लिखिए. और कमेंट बॉक्स में हमें और सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप दीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.